नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशंस। हम यहाँ पे आज आपको सूट की सिंपल सूट की कटिंग दिखाने जा रहे हैं, जिसका स्क्वायर गला बनाने बनाएंगे। तो ये हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं खोल के दिखा देती हूँ। इसको हमने पहले इसको डबल फोल्ड किया है। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। हम जो कपड़ा लेते हैं उसकी अर्ज ज़्यादा रहती है, इसके लिए आपको कपड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वैसे अगर हम मीटर से नापें तो ये कपड़ा 2 ही मीटर है। फिर इसको ऐसे चौथाई भाग में फोल्ड कर लिया है। चेस्ट साइज इसकी 40 की बनेगी, तो ये 40 इंच का चेस्ट मेजरमेंट इसका रहेगा, 38 इंच की कमर और 40 इंच हिप मेजरमेंट, जिसमें हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई इसकी ले लेते हैं, 37 इंच हम इसकी लंबाई ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ये देखिए, हमने चौथाई भाग में रखा है, तो हमारा चेस्ट है 40 इंच, तो हम उसमें 4 इंच बढ़ाएंगे, यानी 44। तो 44 का 1/4 हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ से हम 11 इंच लेंगे। छः इंच यहाँ पे हम गले के लिए मार्किंग कर रहे हैं, शोल्डर और गला, और 6 इंच आर्म होल हम ले रहे हैं, 6.5। 40 का सीना है, इसलिए हम 6.5 आर्म होल लेंगे यहाँ पे, और 2 इंच हम नेक के लिए ले रहे हैं। गले का डीप हम रख रहे हैं 6 इंच। ये भी आप अपने ऊपर 7 से ऊपर ना रखें, नहीं तो ज़्यादा बड़ा गला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 इंच। हम स्क्वायर गला ही बनाएंगे, इसलिए हमने स्क्वायर ही मेजरमेंट किया है। तो ये तो 6 इंच हम आगे का ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ हम मार्किंग कर रहे हैं 9.5 इंच पे। ये हमारा पीछे का गला, जो कटिंग करते वक्त आपको दिखेगा कि हम इसको कटिंग कैसे करेंगे। ये आर्म होल, इसको हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। आर्म होल से हम लेंगे 13 इंच पे, यहाँ मार्किंग करेंगे अपनी कटिंग लगाने के लिए, जो बगल का कट होता है। यहाँ से हम 11 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे कमर के लिए। आर्म होल से 8 इंच ये हमारा कमर का मेजरमेंट हो जाता है। आर्म होल जहाँ से हमने नापा है, यहाँ से 8 इंच, और यहाँ फिर 11 इंच, क्योंकि हिप मेजरमेंट हमारा वही सेम है 40 इंच, तो हमने बढ़ाया है, तो 11 इंच पे यहाँ मार्किंग करेंगे। या तो स्ट्रेट लाइनिंग कर लीजिए अपने नीचे के लिए, या तो आप थोड़ा सा घुमा के फुल ले लीजिए, या तो आप मैक्सिमम इसमें यहाँ मिनिमम आप 22 इंच तक का घेरा बनाएं एक तरफ का। के लिए भी हमने 11, ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, सॉरी 12 कर लिया है हमने यहाँ पे, क्योंकि फिर फोल्ड में हमारा कपड़ा और जाएगा, तो ये हमारा 22 इंच रेडी हो जाएगा। इसकी हम कटिंग करेंगे। अब ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है सूट कटिंग करने का, इसमें कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और साथ में बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये हमने दोनों 6 इंच में अपना दोनों तरफ का गला काट लिया है, उसके बाद हम 1 इंच और डीप कर देंगे पीछे के लिए, आगे का हम निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके बाद से आप एक तरफ का निकाल लें सूट अपना। फिर इसे जो हमने मार्किंग की है, पीछे का गला डीप रहता है इसलिए आप जितना डीप चाहें 8 इंच 9 इंच आप रख सकते हैं, हमने 9.5 इंच लिया है। सूट का गला आप जैसे चाहें राउंड बना लें, स्क्वायर चाहें स्क्वायर बना लें, वो आपके ऊपर है। इसके बाद हम अपनी आस्तीन कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है, उसको ऐसे फोल्ड करें। ऐसे फोल्ड करके रख लें, जितना लंबा चाहें आप उतना फोल्ड करें। यहाँ से हम 9 इंच ले रहे हैं और ये हमारा 5 इंच और एक तरफ 2.5 इंच। जितना आप चौड़ी तरफ 5 इंच लेते हैं तो उधर से आपका 2.5 इंच हो जाएगा, अगर इधर 6 इंच लेते हैं तो उधर 3 इंच हो जाएगा। लंबाई आप जो चाहें आस्तीन की अपने हिसाब से रख सकते हैं। यह हमारा 9 इंच से कम कभी ना लें चौड़ाई जो है बाकी, क्योंकि फिर वो आपके आर्म होल को फिट नहीं होगी, छोटी हो जाएगी। तो मिनिमम 9 इंच आप लें फोल्ड करके 9 इंच। अब यहाँ पे हम अपना गला बनाने के लिए अभी पट्टी काट लेंगे, हम उसमें बकरम नहीं लगाएंगे, हम पट्टी लगा के ही अपना गला बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये देखिए कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम फोल्ड की तरफ इधर ही रखेंगे अपना गला, ऐसे जिधर से हमने कपड़ा फोल्ड किया है। उसके बाद रखकर हम उसी साइज में ये पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी गले की पट्टी कम से कम 1 से 1.5 इंच चौड़ी आप रखें इसको। ये हमारी पीछे की पट्टी गले की, इसी तरह हम आगे का भी कटिंग कर लेंगे अलग से।
हमारी आगे के गले की पट्टी हो गई। तो इसकी स्टिचिंग वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 10-11 मिनट की हो गई है। तो अगर आपको ये कटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और साथ में अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।